बेटा डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बेटा लास्ट पीरियड में डिस्कस किया था, ठीक है। आपका पूरा सेशन कंप्लीट हो गया था। आज बोला गया था आपको हीट स्टार्ट करने के, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो इसमें पहला पार्ट होता है बेटा हीट, ठीक है। सेकंड पार्ट हम लोग स्टडी करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। तो जो फर्स्ट पार्ट अपना है वो आपका हीट होता है, ठीक। फर्स्ट पार्ट जो आपका है वो हीट है। हीट को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो हीट होता क्या है, बोला जाता है इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ वार्मनेस। मतलब हीट एनर्जी का वो फॉर्म होता है जो हमें वार्मनेस यानी कि सेंसेशन प्रोवाइड करता है। फॉर किसके लिए? वार्मनेस के लिए, ठीक है। कोई बॉडी गर्म है या ठंडी, जैसे कोई चीज़ आप टच करते हो। अब मान लो ये हमने मार्कर लिया, अगर इसको हमने टच किया, टच करने पर अगर ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो हमें ये वार्म फील होगा यानी गर्म फील होगा। अगर इसका टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर से कम है बेटा तो वो कोल्ड फील होता है। तो वार्मनेस और कोल्डनेस की जो हमारे क्या होती है डिटेक्शन होता है वो हम हीट के फॉर्म में करते हैं, ठीक। अगर टेम्परेचर बॉडी का ज़्यादा है तो बॉडी के टेम्परेचर से किसी आदमी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो आपको वार्म फील होगा। अगर आपका टेम्परेचर कम है तो वो हमें कोल्ड फील होता है, ठीक है। तो वार्मनेस या कोल्डनेस का जो हम क्या कहते हैं मेजरमेंट करते हैं वो हीट के फॉर्म में करते हैं बेटा, ठीक। दूसरा होता है, अब हम लोग बात करते हैं क्या, चूंकि हीट को हम लोग पढ़ेंगे थर्मामेट्री टर्म में, ठीक है। तो जो पार्ट होता है थर्मामेट्री, इसमें हम लोग इसकी स्टडी करते हैं। तो थर्मामेट्री क्या होता है? तो बोला जाता है ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, या द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डीलिंग विद मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर आर कॉल्ड थर्मामेट्री। मतलब फिजिक्स का बेटा वो ब्रांच जो टेम्परेचर मेजरमेंट को डील करता है उसे हम लोग कह लेते हैं थर्मामेट्री कह लेते हैं। और जिस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग इसको क्या करते हैं मेजर करते हैं, द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज नोन एज थर्मामीटर। जिस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं बेटा उसे हम लोग कहते हैं थर्मामीटर कहते हैं, ठीक। जिस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से आप टेम्परेचर को मेजर करते हैं उसे आप नाम देते बेटा थर्मामीटर। और जो ब्रांच आपकी होती है जिसमें हम लोग डील करते हैं किसको, टेम्परेचर मेजरमेंट को, उसे आप थर्मामेट्री कह लेते हैं। तो ये तो कंडीशन आपका होता है बेटा, थर्मामीटर क्या होता है, थर्मामेट्री क्या होती है, हीट क्या होता है। तो बेसिक आपका इंक्लूजन हो गया कि हीट में हम लोग क्या करेंगे, हीट क्या होता है, किससे हम इसकी हेल्प से हम लोग क्या चीज़ मेजर करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, इसको किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें आपकी होती है। अब देखो आपका टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए अभी डिफरेंट हमारे क्या थर्मामीटर्स यूज़ किए जाते हैं। टेम्परेचर को बेटा मेजर करने के लिए अलग अलग हमारे थर्मामीटर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग आपका होता है वो हम देखेंगे, और टेम्परेचर को डिफरेंट यूनिट में भी हम मेजर करते हैं। एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो चीज़ें अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। तो पहले एक पॉइंट सुन लेते हैं, बा यूज में आता है ट्रिपल पॉइंट। किसी को आइडिया है बेटा ट्रिपल पॉइंट बोलना नहीं है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपका ट्रिपल पॉइंट क्या होता है देखिए, क्या हम बताते हैं बेटा, ठीक है। अगर कोई भी मैटर है, बोला जाता है इट इज स्टेट एट विच, ठीक है, वाटर एंड अदर वाटर, यानी कि कोई भी सीधे मैं किसी मटेरियल के लिए स्पेशली अपना के यहाँ फिलहाल लेके वाटर के लिए दिया गया है बेटा, बेटा किसी के लिए हो सकता है ना, टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस एग्जिस्ट इन ऑल थ्री फेजेस एट सेम टेम्परेचर। मतलब सेम टेम्परेचर पे अगर कोई भी सब्जेक्ट तीनों फेज में पाया जाता है बेटा, तीनों फेज मतलब सॉलिड लिक्विड गैस, तो ऐसे टेम्परेचर को हम लोग कह लेते हैं बेटा वो ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। दिस टेम्परेचर इज नोन एज ट्रिपल पॉइंट कहलाता है, ठीक है। तो ट्रिपल पॉइंट पे कोई भी सब्सटेंस जो होता है अगर वो उस अपने ऑल थ्री फेज में एग्जिस्ट कर रहा है तो उस टेम्परेचर को उस गिवन सब्सटेंस के लिए ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। हम लोग बेटा जब वाटर के लिए स्टडी करते हैं तो वाटर के लिए जो ट्रिपल पॉइंट की वैल्यू होती है ये 0.16 डिग्री सेंटीग्रेड या कैलविन में लेते हैं बेटा, लगभग 273.16 कैलविन के बराबर होता है। 273.16 केल्विन के अलावा क्या होता है आपका, बराबर होता है इस टेम्परेचर पे जो आपका वाटर होता है वो ऑल थ्री फेजेज में एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। वाटर आपका ऑल थ्री फेजेज में बेटा एग्जिस्ट करता है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, एट क्या 273.16 केल्विन टेम्परेचर। केल्विन में बोल लेना डिग्री सेंटीग्रेड बेटा, 273.16 केल्विन टेम्परेचर पे वाटर जो होता है ऑल थ्री फेजेज में एग्जिस्ट करते से ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कह लेते हैं बेटा, ठीक। या उसी को जनरली हम लोग क्लोज टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड बोल लेते हैं।
क्लोजेस्ट को क्या कह लेते हैं, जीरो डिग्री सेंटीग्रेड। ये कैसे अगर आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं, देखो जब आप फ्रीजर खोलते हो, ठीक है फ्रीजर खोलते हैं तो फ्रीजर के अंदर या ऐसे ले लो आइस, बड़े बड़े जो आइस के आते हैं ब्लॉक्स आपको मिलते हैं मार्केट में, ठीक है तो जहाँ पर फ्रीजर से उसको निकाला जाता है तो देखो बहुत सारा भाप उड़ता है उसमें से। आप आइस का बड़ा टुकड़ा अगर जहाँ से फ्रीजर से निकाला, घर में फ्रीजर है अगर लॉन्ग टाइम तक वो बंद है, उसको खोलिए उसके भी डोर को, देखो अंदर से भाप निकलता है, ठीक है लेकिन वो भाप वार्म नहीं होता है, गर्म नहीं होता है बेटा, ठीक है वो वेपर तो है लेकिन वो वार्म नहीं है, गर्म नहीं है। जैसे पानी बॉयल करते तो जो भाप निकलता है उसको उंगली पड़ जाए तो जल जाता है, जबकि फ्रीजर से जो भाप निकलता है उसमें उंगली जाए तो ठंडा फील होता है। तो दैट मीन्स वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 273.16 केल्विन पे वाटर जो होता है वो वेपर फेज में भी एग्जिस्ट कर रहा है, फ्रीजर में आइस के फॉर्म में भी पाया जाता है, अगर पूरा आइस पूरा वाटर आइस में नहीं कन्वर्ट हुआ तो लिक्विड फॉर्म में भी पाया जाता है। तो दैट मीन 0 डिग्री पे वाटर जो होता है वो ऑल थ्री फेजेज में एग्जिस्ट करता है, या कह रहे 273.16 केल्विन पे वाटर का ऑल थ्री फेज में एग्जिस्ट करना, ठीक है तो ये इसी को इसी टेम्परेचर को हम लोग टर्म देते बेटा ट्रिपल पॉइंट। तो ट्रिपल पॉइंट हो गया, तो टेम्परेचर एट विच लिक्विड एग्जिस्ट इन ऑल थ्री फेजेज आर नोन एज ट्रिपल पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड, ठीक या दैट सब्सटेंस कह लीजिए। वाटर के लिए पूछा जाएगा प्यार रखिए 273.16 केल्विन या क्लोज टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। अब आता है बता जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर जो हमारे स्केल्स होते हैं, ठीक है तो बेसिकली अलग अलग स्केल फिर हम बोल लेते हैं। एक तो केल्विन स्केल आपने पढ़ा होगा, केल्विन में आप टेम्परेचर मेजर करते हो, डिग्री सेंटीग्रेड में करते हो। बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो हम लोग फारेनहाइट में नापते बेटा, जैसे कहते हैं ना 103 डिग्री फीवर हो गया, तो 103 डिग्री सेंटीग्रेड फीवर नहीं होता है। कहीं कहीं बहुत सारे झोला छाप डॉक्टर बोल जाते हैं कि 103 डिग्री सेंटीग्रेड बुखार है, 104 डिग्री सेंटीग्रेड बुखार है। अरे बेटा अगर 104 डिग्री सेंटीग्रेड हो ना तो घर में गैस की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप से नूनी के ऊपर इनको भी फीवर रख दीजिए ना, रोटी पक जाएगी, चावल पक जाएगा, दाल पक जाएगी, सब कुछ बन जाएगा। आप देखते होंगे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो सबको पता होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड हम लेते हैं ना हमारा जो नॉर्मल वाटर होता है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका पानी बॉयल होता है। और अगर टेम्परेचर आपका 106 डिग्री सेंटीग्रेड है या 104 डिग्री सेंटीग्रेड 103 डिग्री सेंटीग्रेड है तो मोर देन वाटर बॉइलिंग पॉइंट है, तो उस केस में फिर आपको इतना टेम्परेचर क्या पॉसिबल है बॉडी के लिए नहीं होता, वो डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता, डिग्री फारेनहाइट होता है। तो ध्यान रखेंगे कि जो टेम्परेचर हमारा बोला जाता है 102, 103, 101 वो आपका डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, डिग्री फारेनहाइट में होता है बेटा, वो टेम्परेचर आपका डिग्री किस में होता है, फारेनहाइट में होता है, ना डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये चीज हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं, क्या होगा कैसे होगा उसके बेस पे आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है बेटा, ठीक। आगे देखेंगे हम लोग कैसे इंटरकामर करते हैं बेटा। तो अगर टेम्परेचर स्केल हम लोग लेते हैं, टेम्परेचर स्केल स्केल फॉर मेजरमेंट ऑफ स्केल जो होते हैं इसी को टेम्परेचर स्केल हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए डिफरेंट हम लोग स्केल्स यूज करते हैं, उसी को टेम्परेचर स्केल कह लेते हैं बेटा। तो जो टेम्परेचर स्केल आपका होता है, जो टेम्परेचर हमारा क्या होगा स्केल होता है, अलग अलग स्केल पे उसकी जो क्वांटिटी होती है इंटरकन्वर्जन पे अलग अलग मिलती है। जैसे बेसिकली हम लोग बेटा डिग्री सेंटीग्रेड फारेनहाइट और केल्विन में लेते हैं, तो अगर डिग्री सेंटीग्रेड की बात करते हैं, मान लो टी डिग्री सेंटीग्रेड है इसको केल्विन में बदलना है तो टी प्लस 273 पॉइंट, वैसे एग्जैक्टली जब हम लोग लेते हैं बेटा तो उसमें प्लस 273.15 या 16 जोड़ लिया जाता है, ठीक है। अगर आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना है तो 273.15 ये केल्विन में बदल गया। अब टी की वैल्यू जीरो रखेंगे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273.15 केल्विन के बराबर होगा, टी की वैल्यू 10 डिग्री आप लोगे तो उस कंडीशन में 273.15 में 10 आप ऐड कर लीजिएगा। तो ये तो डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में कैसे बदलते हैं। दूसरा होता है डिग्री सेंटीग्रेड को अगर आपको किस में फारेनहाइट में बदलना है तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग लेते हैं बेटा सी अपॉन 100 इक्वल टू एफ माइनस 32/180, 180, ठीक। अब यहाँ पे चूंकि तो इससे 20 से दोनों साइड में यहाँ डिवाइडिंग फैक्टर में डिवाइड हो जाएगा तो ये सी बाई 5 इक्वल टू लिखते हैं बेटा एफ माइनस 32/9, 20 से हमने दोनों को क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। डिवाइड क्या करिए, उल्टा बोले तो मल्टीप्लाई कर लिया, कैंसिल हो गया आपका 25 जा 29 जा, तो सी बाई 5 इक्वल टू एफ माइनस 32/9,
ये डिग्री सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए आपका स्केल होता है, कैसे इंटर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा होता है बेटा, अगर इसी को रिमर में आपको कन्वर्ट करना है, इसमें रिमर स्केल में आपको कन्वर्ट करना है, तो यही हो जाता है, आप इसी में इंक्लूड कर लेते हैं, आर अपान 80 होता है, सी बाई 5 इक्वल टू एफ माइनस 32 बाई 180 इक्वल टू आर अपान 80, ठीक। अब यहाँ पे जब रखेंगे ना, तो इस केस में क्या होता है, इसका फिलहाल यूज नहीं है, ज्यादा यूज हम इन लोगों का करते हैं या ऐसा करते हैं, इन्हीं दोनों का यूज होता है बेटा। तो यहाँ पे भी आप डिवाइड करो तो ये आ जाएगा बेटा आर अपान कितना 4, तो एक स्केल आपका और इंक्लूड हो गया। फिलहाल इसका बहुत ज्यादा रोल आपका नहीं है, जो इंटर कन्वर्जन में रोल हमारे आते हैं बेटा, वो डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में और आपका फारेनहाइट में, इनमें हम लोग मेनली हम लोग क्या करते हैं, इंटरचेंज के लिए आपका यूजेज आती है, ठीक। बाकी में कोई यूजर नहीं है। तो ये केस आपका हो गया, कैसे टेम्परेचर को एक स्केल से दूसरे स्केल में कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, एक स्केल से दूसरे स्केल में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, इसके बेस पर हम यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं बेटा, ठीक। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है, एक स्केल में आपको टेम्परेचर दिया रहता है, दूसरे में पूछ लेते हैं बेटा कैसे आपका होगा, कितना होगा, ठीक। इसके बेस पर हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। दूसरी चीज होती है बेटा, अब टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए, ठीक है, टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए डिफरेंट हमारे थर्मामीटर यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट जो थर्मामीटर आपके होते हैं उनके अलग अलग रेंज होते हैं, अलग अलग टाइप के जो थर्मामीटर आपके होते हैं जो मेजरमेंट के लिए यूज किए जाते हैं बेटा, उनके डिफरेंट हमारे टेम्परेचर के रेंज होते हैं जिनको हम उसके हेल्प से मेजर करते हैं। जैसे आपको हाई टेम्परेचर मेजर करना है तो नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर यूज करते हैं उसका हम यूज नहीं करते हैं, तो अलग अलग टेम्परेचर रेंज के लिए अलग अलग हमारे क्या होते हैं, थर्मामीटर होते हैं। अब ये थर्मामीटर कौन सा हमारा यूज होगा बेटा, वो उस जिस बॉडी का टेम्परेचर आपको मेजर करना है उस टेम्परेचर के द्वारा हम लोग डिसाइड करते हैं कि टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा है या कम है, टेम्परेचर हाई है लो है, उसके अकॉर्डिंग आपका थर्मामीटर आपका यूज किया जाता है। तो वही होता है का डिफरेंट आपका थर्मामीटर्स क्या होंगे, किस टेम्परेचर के लिए कौन सा सुटेबल होगा, ठीक। तो देखिए ये नोट करना होगा बेटा, तो नोट कर लीजिएगा। 40 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, 40 डिग्री के लिए आपका डिग्री सेंटीग्रेड और फारेनहाइट में वैल्यू दोनों बराबर मिलता है बेटा। 40 डिग्री के लिए डिग्री सेंटीग्रेड और फारेनहाइट स्केल पे वैल्यू जो होता है न्यूमेरिकली वो बराबर आता है, तो ये चीज याद रखिएगा। ये तो टेम्परेचर के लिए डिफरेंट स्केल्स हो गए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बोलेंगे बेटा थर्मामीटर, टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर, ठीक। देखिए क्या होगा, अलग अलग जो टाइप के हमारे थर्मामीटर होते हैं वो कौन से होते हैं, क्या होते हैं। तो यहाँ जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर की कहानी आपकी बनती है, कौन कौन से टाइप आपके होंगे, तो उसके बेस हम देखते बेटा। यहाँ पे एक आता है कॉन्स्टेंट बालूम गैस थर्मामीटर, कॉन्स्टेंट बालूम गैस थर्मामीटर बेटा, देखो नाम लिख दे रहे हैं, रिलेशन लिख दे रहे हैं बेटा, कॉन्स्टेंट बालूम गैस थर्मामीटर। एक होता है हमारा कांस्टेंट बालूम गैस थर्मामीटर, यहाँ पे क्या होता है, गैस का जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, उसको हम लोग एक हायर टेम्परेचर पे बेटा प्रेशर नाप लेते हैं, एक लोअर टेम्परेचर पे। जहाँ हायर मतलब हम लोग जनरली 100 डिग्री सेंटीग्रेड ले लेते हैं, लोअर का मतलब हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है बेटा, हायर का मतलब कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो प्रेशर जो आपका गैस का होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं वैसे वैसे प्रेशर की वैल्यू बेटा बढ़ती है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर प्रेशर ऑफ द गैस ऑल्सो इंक्रीजेस, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ गैस का जो प्रेशर होता है उसकी वैल्यू हमारे बेटा इंक्रीज करती है। तो जो रिलेशन आपका आता है, अगर टेम्परेचर की वैल्यू आपको निकालना है, मान लो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका प्रेशर की वैल्यू P0 है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका P100 है, और जिस टेम्परेचर पे हमें वैल्यू निकालनी है उसकी वैल्यू PT है, T डिग्री सेंटीग्रेड मान लो अननोन टेम्परेचर है उस पर वैल्यू आपका क्या है, PT है। तो यहाँ पे अगर आपको अननोन टेम्परेचर फाइंड करना है तो अननोन टेम्परेचर निकालने के लिए, ठीक है, कैसे हम लोग वहाँ काउंट करते हैं, तो यहाँ पे टी की जो वैल्यू आती है PT-P0/P100-P0×100 करके यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू आप डिग्री सेंटीग्रेड में फाइंड कर सकते हैं। अगर आपका जो प्रेशर है
ठीक है, 0 डिग्री पे P0 है, 100 डिग्री पे P100 है, और 30 डिग्री पे मतलब जिस टेम्परेचर पे फाइंड करना उसका PT है बेटा। तो इसके हेल्प से हम लोग टेम्परेचर अगर मीजर करते हैं किसी गैस का, ठीक है, तो उस केस में T की जो वैल्यू आती है वो टेम्परेचर जो हमें मिलेगा T इक्वल टू आता बेटा PT माइनस P0 या P0 से बोल लेते हैं अपान P100 माइनस P0 इंटू 100। ये जो वैल्यू आएगा वो डिग्री सेंटीग्रेड में है बेटा, वेयर P0 ठीक है, प्रेशर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, P100 प्रेशर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, PT प्रेशर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो T डिग्री अनुन टेम्परेचर T है उस पर आपका प्रेशर होता है। अगर प्रेशर की वैल्यू दी गई है सभी पे अलग अलग टेम्परेचर पे, तो यहाँ से वैल्यू रख के बेटा हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, तो ये होता है आपका कैसे टेम्परेचर को मीजर करेंगे, इसके बेस पे आपका मेजरमेंट हो जाता है। दूसरा होता है बेटा हमारा प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर। यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि किसी भी मेटल का जब टेम्परेचर की वैल्यू राइज करते हैं, किसी भी मेटल का टेम्परेचर राइज करने पे उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू राइज होती है। अगर टेम्परेचर आप राइज कर रहे हैं तो किसी मेटल अगर मेटेलिक में है सब्सटेंस, तो उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू भी राइज करते हैं। तो सेम जैसे यहाँ प्रेशर की वैल्यू गैस के लिए हम लोग बात करते हैं कि कोई गैस है अगर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका प्रेशर बढ़ता है, ऐसे ही किसी मेटेलिक सब्सटेंस का अगर टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेटिनम रेजिस्टेंस की बात इसलिए कहते हैं क्योंकि प्लेटिनम रेजिस्टेंस जो होता है उसमें एक मेजरेबल कॉर्ड लेवल पे क्या होता है, थोड़ा भी टेम्परेचर हम राइज करते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू में लार्ज वेरिएशन आता है, तो उससे एक्यूरेसी जो होती है मेजरमेंट की वो अच्छी होती है बेटा। ठीक, इसमें क्या करेंगे एक चीज़ और इसी समय लेंगे बेटा, जैसे गैस थर्मामीटर हम लोगों ने पढ़ा ना, इसका जो अगर हम लोग गैस थर्मामीटर की बात करते हैं तो जो टेम्परेचर रेंज होता है जिसे हम लोग कहते हैं कितना कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितना आप मीजर कर सकते हैं, तो बेटा जो गैस थर्मामीटर है उसका टेम्परेचर रेंज -268 से लेके डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक का होता है। इसकी जो वैल्यू होती है अगर टेम्परेचर रेंज की बात हम लोग करा जाए, टेम्परेचर रेंज -268 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक, मतलब अगर इस रेंज में किसी सब्सटेंस किसी बॉडी का टेम्परेचर है तो उसे हम लोग कांस्टेंट गैस थर्मामीटर से मीजर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात हम लोग करते हैं बेटा सेकेंड प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर लेते हैं बेटा। सेकेंड हमारा जो होते हैं वो होता है प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर। ये पहला हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर, दूसरा हो गया बेटा प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर। प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर कहते हैं बेटा से। देखो इसमें जो प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर होते हैं, ठीक है, इसमें लिया क्या जाता है, चूंकि प्लेटिनम की जो वायर होती है उसका टेम्परेचर चेंज करने के साथ साथ बेटा वहां पे हमारा रेजिस्टेंस के वैल्यू में लार्ज वेरिएशन होता है। ठीक है, यानी मेजरेबल वेरिएशन होता है, इसी को प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर कह लेते हैं बेटा। अब यहाँ पे लिखते कैसे हैं, जिस पैटर्न पे आप यहाँ पे लेते हो ऐसे ही टेम्परेचर यहाँ भी मीजर किया जाता है। मान लो T डिग्री सेंटीगेट पे रेजिस्टेंस जो उसका है प्लेटिनम वायर का वो RT है, 0 डिग्री पे R0 है और 100 डिग्री पे R100 है, तो रिलेशन यहाँ पे बनेगा टेम्परेचर के लिए, जो टेम्परेचर हमें मीजर करनी है तो T की वैल्यू आती है बेटा सेम इसी पैटर्न पे RT माइनस R0 अपान R100 माइनस R0 इंटू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। टी की वैल्यू RT माइनस R0 अपन R100 इन माइनस 100 माइनस R0 इंटू 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो यहाँ पे डाटा रख के आप बेटा निकाल लेते हो प्लेटिनम रेजिस्टेंस के हेल्प से क्या उस ऑब्जेक्ट का जो भी आपको दिया गया वायर उसका कितना होगा आपका टेम्परेचर। जो प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर होता है इसका जो टेम्परेचर रेंज होता है ये बेटा -200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक लिया जाता है जनरली। तो
अगर रेंज की बात करते हैं यहाँ पे, ये तो समझ जाएंगे ना आरटी के लिए कितने बेटा, वायर कौन क्या है मालूम है, आर नॉट रेजिस्टेंस एट, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री संगेट, R100 रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री संगेट, RT रेजिस्टेंस एट 30 डिग्री संगेट। ठीक है, तो ये चीजें आपकी होती है, यहाँ से हम निकाल लेते बेटा। अब यहाँ पे टेम्परेचर रेंज की जो वैल्यू होती है, इस केस में हम लोग जब टेम्परेचर रेंज लेते हैं तो -200 डिग्री संगेट से 1200 डिग्री संगेट 2 है बेटा, यहाँ पे 2 है, मतलब माइनस मत ले लेना। -268 से वहाँ 1500 डिग्री संगेट, यहाँ पे -200 डिग्री संगेट से 1200 डिग्री संगेट तक का इसका रेंज होता है। तो इससे टेम्परेचर जो हम लोग मेजर करते हैं बेटा, इस रेंज में अगर आपके किसी बॉडी का टेम्परेचर है तो उसे हम लोग प्लेटिनम रेजिस्टेंस से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा मरकरी थर्मामीटर। इसी का यूज पहले हम लोग जो नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए करते थे, वो मरकरी थर्मामीटर का यूज करते थे बेटा। ठीक है, देखो अभी भी आता है आपका थर्मामीटर पुराना, जो आपके डॉक्टर हैं, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक आने लगा तो ज्यादातर लोग इलेक्ट्रॉनिक यूज करने लगे, लेकिन अभी भी जो प्लेटना क्या आ रहा है, मरकरी थर्मामीटर जो आता है बेटा, वो देखो आप देखते होंगे कि उसमें एक जो थर्मामीटर होता है उसमें अंदर मरकरी भरी होती है। डॉक्टर आपके बॉडी के कॉन्टेक्ट में ले आते हैं जब मरकरी को, उस थर्मामीटर के टिप को, तो धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ता है, राइज करता है। ठीक है, और उसी लेवल जिस रेंज तक जाता है, वो टेम्परेचर के जिस रेंज तक जाता है, उसी से हम लोग वहाँ पे टेम्परेचर को मीजर करते हैं, उसी के विषय बताते हैं कि आपके बॉडी का टेम्परेचर हाई है लो है क्या है, उसका मीजरमेंट किया जाता है। तो उस केस में यहाँ पे जो हम लोग मरकरी थर्मामीटर लेते हैं ना, तो उसकी लेंथ के बेस पे डिसाइड होता है कि लेंथ में कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है। इसीलिए आपका चूंकि रीजन क्या है, यहाँ पे लीनियर एक्सपेंशन की वैल्यू बहुत ज्यादा होती बेटा मरकरी का, इसीलिए वहां पे मरकरी का यूज करता है। अगर उसी मरकरी जब आप लोहे का भर दीजिए ना, तो पता लगा टेम्परेचर आपके बॉडी का बॉयल होने लगा, तब तो उसमें पता ही नहीं चला, उससे एलांगेशन ही नहीं मेजर हुआ। तो ऐसे सब्सटेंस करते हैं जिसमें फ्लैक्चुएशन बहुत ज्यादा हो, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कांस्टेंट गैस थर्मामीटर, तो कांस्टेंट बालूम गैस थर्मामीटर में क्या हो गया, बालूम कांस्टेंट का दे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जाती है। दूसरा आपने कहा कि आप प्लेटिनम रेजिस्टेंस, प्लेटिनम ऐसा मटेरियल है बेटा, थोड़ा भी टेम्परेचर अगर चेंज करेंगे तो उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू में लार्ज इंक्रीजमेंट होता है। ठीक है, ऐसे ही आपने लिया मरकरी थर्मामीटर। मरकरी थर्मामीटर में जो मरकरी कॉलम आपका होता है, मरकरी की लेंथ जो होती है उसमें ट्यूब में, उसमें टेम्परेचर चेंज करने के साथ साथ तेजी से वेरिएशन आता है। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल का लिया जाता है जहाँ पे वेरिएशन लार्ज हो, जो वेरिएशन लार्ज होगा तो ज्यादा एक्यूरेट आपको रिजल्ट वो देगा, वो थर्मामीटर आपका मोर एक्यूरेट क्या देगा, आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, यहाँ से दिखा देते हैं। नेक्स्ट है बेटा मरकरी थर्मामीटर, यही हम लोग लिख लेते हैं। तीसरा ठीक, यहाँ पे सिंपल कंडीशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो यूज में आते हैं बेटा। ठीक है, बाकी अभी एक आध का रेंज लिखा देंगे। ठीक है, तो उस केस में जो यहाँ पे लिया जाता है, जब हम लोग क्या करते हैं मरकरी थर्मामीटर की बात करते हैं, तो इसका टेम्परेचर रेंज लो होता है बेटा, बहुत ज्यादा रेंज नहीं होता, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर्स के द्वारा हम मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो होता है, ठीक है, इसीलिए जनरली बॉडी का टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। ठीक, कैसे होता है, यहाँ पे सेम पैटर्न पे जैसे यहाँ मेजर करते थे, ऐसे यहाँ भी हम लोग टेम्परेचर की वैल्यू को मेजर करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ पे है मरकरी थर्मामीटर में, मरकरी कॉलम की लेंथ के बेस पे करेंगे। तो यहाँ पे टी इक्वल टू होता है बेटा LT-L0 अपॉन L100-L0 इंटू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। LT-L0 अपॉन L100-L0 इंटू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसके बेस पर आपका यहाँ से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। उसके बेस पे हमारा यहाँ से क्या होता है बेटा, रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। तो टी की वैल्यू हो गई LT-L0 अपॉन L100-L0 इंटू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये चीजें आपकी होती हैं, क्या होंगी कैसे होंगी वहां से आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए
तो ये तो कहानी हमारी हो गई किसके लिए, ठीक है। मरकरी थर्मामीटर क्या कंडीशन बनेगी, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर क्या कंडीशन बनेगी, और कांस्टेंट बालूम गैस थर्मामीटर क्या कंडीशन बनेगी, ठीक है। यहाँ पे जब हम लोग लेते बेटा टेम्परेचर रेंज की बात करते हैं, तो मरकरी थर्मामीटर जनरली -30 से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर को मीजर करता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर की जो वैल्यू होगी, ठीक है, लिख दे बेटा वायर क्या कौन क्या है। वायर LT, पहले लिखो L0, लेंथ ऑफ मरकरी कॉलम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, लेंथ ऑफ मरकरी कॉलम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। LT जो होगा लेंथ ऑफ मरकरी कॉलम एट L100, पहले लेते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और तीसरा होगा बेटा LT लेंथ ऑफ मरकरी कॉलम एट T डिग्री सेंटीग्रेड। T डिग्री सेंटीग्रेड ये केस आपका होता है। यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं बेटा कि मरकरी कॉलम का इसके बेस पे लेंथ को देख के हम लोग टेम्परेचर की वैल्यू को मीजर करते हैं। टेम्परेचर की वैल्यू में क्या होता है आपका मेजरमेंट होता है, इसके बेस पे आप यहाँ से दिखा देते हैं, हो जाएगा। तो ये सिचुएशन आपका हो गया प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर, मरकरी थर्मामीटर और कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर में क्या कंडीशन बनेंगी, कैसे बनेंगी, वहां से हम दिखा देते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, चलिए। डिफरेंट होता है, एक दो हम ऐसे डाटा लिख देते हैं, जैसे रेडिएशन थर्मामीटर। रेडिएशन थर्मामीटर जो होता है बेटा, ठीक है, यहाँ पर लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके और 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को हम मेजर कर सकते हैं। तो जो स्टार्स वगैरह होते हैं, हाई टेम्परेचर बॉडीज होती हैं, उनका हम लोग यहाँ से इस थर्मामीटर का यूज करके टेम्परेचर की वैल्यू को मेजर करते हैं। तो ये तो डिफरेंट हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं, जिसके बेस पर हम लोग क्या करते हैं टेम्परेचर की वैल्यू को मेजर करते हैं डिफरेंट थर्मामीटर की हेल्प से, ठीक है। तो इतना आप समझ गए हो तो फिर आगे बताए, नहीं तो हो गया बेटा। चलिए, तो ये तो केस आपका होता है, यहाँ से आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है बेटा क्या होगा। तो ये डिफरेंट टाइप के हमारे थर्मामीटर जो मेनली यूज में आते हैं, उनको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, कैसे होता है क्या होता है यहाँ पे दिखा दिया जाता है बेटा, ठीक। एक क्वेश्चन, जैसे अभी हम लोगों ने इंटर कन्वर्जन की बात किया था, कैसे इंटर कन्वर्ट करते हैं, तो उस पर एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो एक हम लोग ले लेते हैं बेटा, उसके बेस पे कैसे करेंगे एक हम बता देते हैं आपको। जैसे कह दिया जाए एट व्हाट टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे देखें, एट एनी डू द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द रीडिंग गिव द सेम क्या रीडिंग ऑन फारेनहाइट एंड केल्विन स्केल, ठीक। एक इस टाइप से हम लोग बनाते हैं डिग्री सेंटीग्रेड और फारेनहाइट केल्विन स्केल पे किस टेम्परेचर के लिए रीडिंग की वैल्यू बराबर होगी। फिर पूछा डिग्री सेंटीग्रेड और किस पे, हाँ जैसे यहाँ पे केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड का दे दिया, ऐसे डिग्री सेंटीग्रेड और किस में हम लोग लेते हैं केल्विन में कन्वर्जन कर लेते हैं, तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, देखिए देखिए क्या करते हैं बेटा, कहा क्या जा रहे हैं, अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड और फारेनहाइट में कंपेयर करना है कि रीडिंग की वैल्यू किसके लिए दोनों स्केल पे सेम सेम मिलेगी, ठीक है। तो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था बेटा C/5 इक्वल टू F -32/E, नहीं F -32/9। तो सपोज दैट यहाँ पे जो वैल्यू ले रहे हैं दोनों स्कूल पे हमें कंपेयर करना है, तो हम मान ले टी है, टी के लिए दोनों के या थीटा के लिए वैल्यू दोनों के लिए क्या आएगी, सेम आएगी। तो
तो एक पे हम लोग लेते बेटा थीटा, डिग्री सेंटीग्रेड पे जब लेते हैं बेटा तो 0 से 100 ही रहता है हमारा स्केल, तो वहां पे हम लोग कह सकते हैं कितना, सी की जगह पे आप थीटा ले लो और एफ की जगह पे थीटा ले लो, दोनों की वैल्यू हमें इक्वल करनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे जो सी और ये लिया है, इस दोनों की जो वैल्यू हम लोग थीटा ले लेते हैं, तो मान लो थीटा पे दोनों स्केल पे वैल्यू बराबर आएगी, तो ये थीटा -32/9 हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 9 थीटा इक्वल टू 5 थीटा माइनस 1, ये यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 160 हो गया। इसको इधर करेंगे तो आएगा 9 थीटा माइनस 5 थीटा इक्वल टू 160, 160 माइनस में है बेटा, तो 4 थीटा इक्वल टू हो गया -160, तो थीटा की वैल्यू -160/4, वैल्यू आ गई -40, यानी -40 डिग्री के लिए, -40 डिग्री के लिए डिग्री सेंटीग्रेड और फारेनहाइट दोनों स्केल पे जो वैल्यू होती है बेटा बराबर होती है। तो अब लिखेंगे दैट इज, ठीक है, एट -40 डिग्री द वैल्यू ऑफ फारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड स्केल विल बी सेम, दैट इज एट -40 डिग्री वैल्यू ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड, वैल्यू ऐसे करो, एट -40 डिग्री वैल्यू ऑफ ना का वैल्यू एट एट डिग्री सेंटीग्रेड स्केल ऐसे नहीं लो, सीधे अपने डिग्री सेंटीग्रेड आप बना दो, डिग्री सेंटीग्रेड स्केल एंड फारेनहाइट स्केल विल बी सेम, दोनों पे जो वैल्यू आती है -40 के लिए बेटा सेम सेम आती है, ठीक है। तो यही आपको क्या अगला पूछ सकते हैं, फारेनहाइट और कैल्विन में पूछ सकते हैं, तो जिसमें भी पूछा जाएगा वैल्यू उसके बेस पे रख के आप निकाल लेते हैं। तो ये तो कंडीशन आपके हो गई, क्या होता है कैसे होता है, यहाँ से हमारा निकल जाता है बेटा, डिफरेंट स्केल हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लिए। अगला कंडीशन आपका होता है, नेक्स्ट केस हम लोग बनते हैं, ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन की बात करते हैं बेटा। देखो नेक्स्ट हेडिंग हमारा इसमें आता है बेटा थर्मल एक्सपेंशन, ये समझ गया ना, ये क्वेश्चन था एट विच टेम्परेचर, विच वैल्यू ऑफ टेम्परेचर द वैल्यू एट द डिग्री सेंटीग्रेड एंड फारेनहाइट बोथ स्केल विल बी सेम, एट व्हाट टेम्परेचर द वैल्यू एट डिग्री सेंटीग्रेड एंड फारेनहाइट स्केल बोथ आर सेम, ठीक। तो वो वैल्यू हमारे -40 के लिए आ रही है बेटा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बोला जाता है बेटा, ठीक, ये तो हो गया हमारा, क्या अगला पॉइंट है थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है एक थर्मल एक्सपेंशन। जिसे टर्म से पता चला बेटा, थर्मल मतलब होता है किसी चीज को हीट करना, एक सेकेंड बेटा, हम लोग बात करते हो थर्मल एक्सपेंशन का, तो थर्मल एक्सपेंशन का मतलब होता है अगर किसी चीज को आप हीट करते हो, तो हीटिंग पे गर्म करने पर जो वहां पे क्या करेगा, टेम्परेचर में राइज होगा, टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, टेम्परेचर हम लोग राइज कर रहे हैं हीट करने पे, तो उसकी वजह से अगर किसी बॉडी के में अगर एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मतलब इंक्रीजमेंट हो रहा है उसके साइज में, तो उसी को टर्म देते हैं थर्मल एक्सपेंशन बेटा। व्हेन एनी मटेरियल बॉडी आर विल बी हीटेड देन इट्स टेम्परेचर विल देन इट्स साइज विल बी राइजेस, कुछ यहाँ पे एक एक्सेप्शन मिलता है बेटा वाटर के लिए, वाटर यहाँ पे एक्सेप्शन शो करता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब तक हम वाटर को हीट करते हैं, तब तक वहाँ पे बेटा एक्सपेंशन की बजाय कंप्रेशन होता है, यानी कि जब गर्म करते हैं तो फैलने के बजाय सिकुड़ता है पहले, उसके बालों में डिक्रीजमेंट होता है,
इसलिए डेंसिटी की वैल्यू इंक्रीज करती है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है, एट फिक्स टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ वाटर विल बी मैक्सिमम, तो आप जीरो पे नहीं बोलते हैं, वहां पर वाटर की डेंसिटी जो मैक्सिमम होती है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। जो डेंसिटी होती है बेटा वाटर की मैक्सिमम, वो हमारा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। तो एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड विल बी या सॉरी वाटर विल बी लिक्विड नहीं, वाटर विल बी मैक्सिमम। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन होता है, बाकी सारे जो भी मटेरियल हैं आपके, ठीक है, अगर कोई भी मटेरियल है उसको आप हीट करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे उसके बालों में या उसकी लेंथ में, उसका एरिया में, उसका शेप कैसा है, डिजाइन कैसा, उसके अकॉर्डिंग कहते हैं एक्सपेंशन होता है। तो इसी के बेस पे एक्सपेंशन को फिर हम लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, जैसे लीनियर एक्सपेंशन हो गया, एरियल या उसे सुपरफिशियल एक्सपेंशन कह लेते हैं, तीसरा हम लोग बालों में एक्सपेंशन कह लेते हैं। तो उसका शेप कैसा है बॉडी का, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, एक्सपेंशन का मतलब होता है, ठीक है, द इंक्रीजमेंट इन पैरामीटर व्हेन टेम्परेचर वेरिएबलाइजेस इज नोन एज थर्मल एक्सपेंशन। मतलब अगर किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाते हैं, किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को हम लोग क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो बढ़ाने पर जो उसमें एक्सपेंशन हो रहा है, जो उसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है, उसे आप नाम देते हो थर्मल एक्सपेंशन। क्या नाम देंगे उसे आप, थर्मल एक्सपेंशन कह रहे थे। थर्मल एक्सपेंशन हो गया, ठीक है, द इंक्रीजमेंट इन बालूम किसमें, यार इंक्रीमेंट इन पैरामीटर ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ठीक, चलिए जो थर्मल एक्सपेंशन एक बार हम लिख लेते हैं एक लाइन में, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ बॉडी, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ बॉडी, ठीक है, साइज ऑफ बॉडी विल बी इंक्रीजेस, साइज ऑफ बॉडी विल बी इंक्रीजेस एंड दिस इंक्रीजमेंट एंड दिस इंक्रीजमेंट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। दिस इंक्रीजमेंट बॉडी तक है बेटा, देख रहा बाबू, इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। इसी इंक्रीजमेंट को हम लोग कहते हैं बेटा थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं, दिस इंक्रीजमेंट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, तो इसी को नाम देते हैं आप थर्मल, क्या कहेंगे, एक्सपेंशन कहते हैं, दिस इंक्रीजमेंट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। ठीक, तो इस इंक्रीजमेंट को आप नाम दे रहे हैं बेटा थर्मल एक्सपेंशन कह लेते हैं, क्या हुआ कैसे होगा उसके बेस पे आप दिखा देते हो, इसके बेस पे आप क्या करते हैं दिखा लेते हैं कि क्या होगा एक्सपेंशन, उसे कह लेते हैं हम थर्मल एक्सपेंशन कह लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं बेटा, तो तीन टाइप में हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं। फिर हाल जो एक्सपेंशन हम लोग मेनली पढ़ते हैं लिक्विड में जब कहते हैं ना, अब ऐसे लिख लो थर्मल एक्सपेंशन को पहले आप सब डिवाइड कर लो सॉलिड लिक्विड और गैस के लिए। तो एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। जो लिक्विड और गैस होते हैं बेटा वहाँ पे हमेशा केवल बालों में एक्सपेंशन होता है, जब भी आप वहाँ पे टेम्परेचर को राइज करेंगे उसके बालों में चेंज आएगा। ठीक, तो वहाँ बालों में एक्सपेंशन कहते हैं गैसेज में और लिक्विड्स में। लेकिन सॉलिड में बेटा उसके शेप के बेस पर हम तीन टाइप के एक्सपेंशन की स्टडी करेंगे। ठीक है, एक तो लीनियर, एरियल या सुपरफिशियल कह लेते हैं, और तीसरा हमारा हो जाता है बालूम। तीसरा क्या हो जाएगा आपका, बालूम। तो इसके बेस पे हम दिखा देते हैं क्या हुआ कैसे होगा, वहां से आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, वहां पे उसके बेस पे आपका क्या होगा रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, कौन सा एक्सपेंशन हुआ कैसे हुआ क्या होगा वो चीजें हम लोग दिखा लेते हैं बेटा। ठीक, तो पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसका, थर्मल एक्सपेंशन का। ठीक है, उसमें बात करेंगे सॉलिड लिक्विड गैस, तो आप बोलोगे इन लिक्विड एंड गैसेस लिक्विड एंड गैसेस ओनली बालूम या बालूमेट्रिक बालूम एक्सपेंशन
बालों एक्सपेंशन अकर्स, इसमें खाली हमारा बालों में एक्सपेंशन होता है बेटा, इसमें केवल और केवल हमारा क्या होता है, बालों एक्सपेंशन होता है जब हम लोग इसमें लिक्विड, या किसकी बात करते हैं आप, इन लिक्विड एंड गैसेस वन ने बालों एक्सपेंशन अकर्स, इसमें जब भी आप टेम्परेचर राइज करेंगे बालों में चेंजेस आती हैं, उसके लेंथ और एरिया की बात हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो स्पेशली बालों एक्सपेंशन की स्टडी करते हैं। दूसरा होता है सॉलिड में, इन सॉलिड इन सॉलिड्स थ्री टाइप्स, ऑल थ्री टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन आकर्ष या टेक्स प्लेस, जो भी कर लो, आकर्ष कह सकते हो, टेक्स प्लेस कह सकते हो। इसमें तीन हम लेते हैं बेटा, एक होगा लीनियर एक्सपेंशन, दूसरा ले लेते बेटा हम लोग उसे कह रहे थे सुपरफिशियल और ए सरफेस एक्सपेंशन या एरियल एक्सपेंशन, एरियल एरियल और सुपरफिशियल, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, ठीक। और तीसरा हो जाता बेटा बालों एक्सपेंशन, तीसरा हमारा बालों एक्सपेंशन है, ठीक है। तो तीन टाइप के आपके एक्सपेंशन हो गया, लीनियर एक्सपेंशन, एरियल और सुपरफिशियल एक्सपेंशन, तीसरा आपका हो गया बालों एक्सपेंशन। तो ये हमारे थ्री टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन होते हैं सॉलिड में, ठीक है। जबकि लिक्विड में स्पेशली हम लोगों ने डिस्कस किया केवल वहाँ पे कैसे और बात करते हैं, लिक्विड या गैसेज और बालों एक्सपेंशन की हम लोग बात करते हैं, ठीक। तो अलग अलग पार्ट में हम लोग फिर स्टडी करेंगे। पहले हम लोग करेंगे बेटा एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, चूंकि डिटेल हमें उसी में पढ़ना है, तो पहले हम लोग पढ़ते हैं एक्सपेंशन है, ठीक है, किस में, ऑफ सॉलिड। सॉलिड में एक्सपेंशन क्या होता है, तो अभी शुरू में हम लोग डिस्कस इसी को किए थे बेटा, किसी भी सॉलिड मटेरियल को जब आप हीट करते हैं, कोई भी सॉलिड मटेरियल जब हीट किया जाता है, तो हीट करने पर उसके बालों में इंक्रीजमेंट होता है, उसी को हम लोग कह लेते हैं बेटा एक्सपेंशन इन सॉलिड कहते हैं, उसी को नाम देते हैं एक्सपेंशन इन सॉलिड कह लेते हैं। अब यहाँ पे आपने कहा, अभी बताया पीछे कि तीन टाइप का होगा बेटा, लीनियर, सुपरफिशियल या एरियल, और तीसरा बालों कह लेंगे। तो जब हम लोग लीनियर एक्सपेंशन की बात करते हैं, बालों को ही क्यूबिकल भी कह लेते हैं बेटा, बालों को ही हम लोग क्यूबिकल एक्सपेंशन भी कह लेते हैं, इसी को बालों बैक में लिख लो क्यूबिकल, क्यूबिकल एक्सपेंशन, मतलब पूरा बॉडी में उसके बालों में हमारा इंक्रीजमेंट होगा, तो इसी को बालों या क्यूबिकल भी कह लेते हैं बेटा, ठीक। तो ये हमारे थ्री टाइप्स के आपके एक्सपेंशन आपका हो गए। पहले हम लोग बात करें एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, तो सॉलिड में पहला पार्ट लेंगे लीनियर एक्सपेंशन, पहला इसका लेंगे, लिखा है हम लोगों ने लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन। देखो लीनियर में क्या कह रहे हैं, अगर लेंथ में आपका इंक्रीजमेंट हो रहा है, लीनियर एक्सपेंशन का मतलब हो गया अगर आप उसके लेंथ में इंक्रीज कर रहे हो, लंबाई में आपका इंक्रीजमेंट हो रहा है, कोई राउंड शेप की बॉडी है, ठीक है, जिसकी लेंथ जो है बेटा उसके विथ के रिस्पेक्ट में क्या हो, वेरी लार्ज हो, या कह लो लेंथ के रिस्पेक्ट में उसका एरिया क्रॉस सेक्शन बहुत स्मॉल हो, ठीक है। अगर आपका कोई थिन रॉड है, लंबाई उसकी बहुत ज्यादा है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिलेटिवली वेरी स्मॉल है बेटा, तो ऐसे एक्सपेंशन को हम लोग कह लेते हैं लीनियर एक्सपेंशन। उसमें जो इंक्रीजमेंट होगा जब टेम्परेचर की वैल्यू राइज करेंगे, तो उसे लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। और लीनियर एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग लिखते हैं एल टी इक्वल टू एल नॉट बैक में वन प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, या वन प्लस थीटा, जो भी अल्फा इंटू थीटा, जो भी कर लीजिए आप, ठीक। तो यहाँ पे होता है
रिलेशन जब लिखते हैं इसमें, ठीक है, लीनियर एक्सपेंशन के लिए तो लिखा जाता है बेटा एल टी इक्वल टू एल नॉट देखें 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा। अब चाहे डेल्टा टी करो बेटा, चाहे डेल्टा थीटा कर दो, डेल्टा टी, ठीक। यहाँ पे कौन क्या है इसको समझ लेते हैं। एल नॉट लेंथ ऑफ द रॉड एट टी डिग्री जीरो डिग्री सेंटीग्रेड, लेंथ ऑफ रॉड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एल टी, ये होता है बेटा लेंथ ऑफ रॉड एट टी डिग्री सेंटीग्रेड। एल टी हो गया लेंथ ऑफ रॉड एट टी डिग्री सेंटीग्रेड। अगला हो गया अल्फा कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन डेल्टा टी, इंक्रीजमेंट इन लेंथ, इंक्रीमेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर में आपका इंक्रीजमेंट जो होगा वो डेल्टा टी से दिखाते हैं। तो ये केस आपका होता है, यहाँ से इसके बेस पे आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, इसके बेस पे आपका क्या होगा रिप्रेजेंटेशन हो जाता है बेटा, क्या होगा कैसे होगा वहाँ से आप दिखा देते हैं। तो ये हो गया लीनियर एक्सपेंशन एल टी एल नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, यहाँ से आप निकाल लेते हैं बेटा। ये बात समझ में आ गई। तो ये चीज़ें आपकी होती है वैल्यू, जो भी डाटा रहेगा बेटा हम रख के यहाँ पे, ठीक है, टेम्परेचर की वैल्यू जिस टेम्परेचर पे आपको फाइंड करना है उसका लेंथ, तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं। दूसरा लेते हैं हम लोग बेटा सुपरफिशियल या एरियल एक्सपेंशन जब कहते हैं, ठीक। तो सेकेंड हो गया हमारा एरियल एक्सपेंशन, या इसी को बोला सुपरफिशियल एक्सपेंशन, एरियल और सुपरफिशियल एक्सपेंशन। जब हम लोग एरियल या सुपरफिशियल की बात करते हैं बेटा, जैसे यहाँ लेंथ लेते थे ना, वैसे यहाँ पे एरिया लेते हैं बेटा, सेम उसी पैटर्न पे। जैसे यहाँ पे लेंथ टेम्परेचर राइज करने पे लेंथ में इंक्रीजमेंट हो रहा था, वैसे यहाँ टेम्परेचर राइज करने बेटा एरिया में क्या इंक्रीजमेंट होता है, टेम्परेचर राइज करने पे आपको एरिया में क्या होता है आपका इंक्रीजमेंट होता है। तो कैसे होगा क्या होगा उसके बेस पे आप यहाँ से क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये देखेंगे बेटा हम लोग एरियल की कंडीशन में क्या बनेगा। तो एरिया जब लिखते हैं तो ए इक्वल टू होता है बेटा ए टी इक्वल टू ए नॉट 1 प्लस अल्फा जब बीटा इंटू डेल्टा टी ले लेते बेटा, ठीक। सेम इसी पैटर्न पे जैसे यहाँ पे कौन क्या था वैसे वहां पे हो जाएगा बेटा। तो यहाँ लिखेंगे वैद ए नॉट एरिया ऑफ एरिया ऑफ एट कर दीजिए एरिया एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक ए टी एरिया एट टी डिग्री सेंटीग्रेड बीटा या डेल्टा टी इंक्रीजमेंट इन टेम्परेचर, या पहले डेल्टा बीटा लिख लेते बेटा, बीटा कोफिशियंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, कोफिशियंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, और डेल्टा टी जो होगा ये हो गया इंक्रीजमेंट, अच्छा इंक्रीजमेंट इन टेम्परेचर, इंक्रीजमेंट इन टेम्परेचर, ठीक। तो ये डिफरेंट कंडीशंस हमारी होती हैं। यहाँ से क्वेश्चन में जो भी डाटा आपको गिवन रहेगा बेटा आप रख लीजिएगा, ठीक है, वहाँ से वैल्यू हो जाती है। इंक्रीजमेंट टेम्परेचर मतलब जो पहले मान लो T1 डिग्री पे था बाद में T2 पे पहुँच गया, तो उसी को हम लोग इंक्रीजमेंट इन टेम्परेचर कहते हैं, उसी को नाम दिया जाता है बेटा इंक्रीजमेंट इन क्या कहेंगे टेम्परेचर कहते हैं। तो क्या होगा कैसे होगा उसके बेस पर आपका यहाँ से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, इसके बेस पर हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे
रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या होगा कैसे होगा, वहां से आपका दिखा दिया जाता है बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये तो कंडीशन आपका हो गया बेटा, ठीक है, कि यहाँ पे कैसे हम लोग कर रहे हैं, तो एरियल एक्सपेंशन आपका यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, कोफिशियंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन क्या होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू रख के यहाँ पे फाइनली एरिया क्या होगा टी डिग्री पे, उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। नेक्स्ट आपका आता है बेटा वॉल्यूम एक्सपेंशन। जब वॉल्यूम एक्सपेंशन हम लोग करेंगे थोड़ा सा हमें इरेज करना पड़ेगा, देख लीजिए, थर्ड कंडीशन आपका वॉल्यूम एक्सपेंशन। वॉल्यूम आर इसी को कहा गया था बेटा क्यूबिकल, वॉल्यूम आर क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, वॉल्यूम या क्यूबिकल एक्सपेंशन की जब हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका बॉडी है वो स्पेशली इसको हम लोग क्यूबिकल बॉडी के लिए एक्सप्लेन करते हैं बेटा। किसके लिए एक्सप्लेन करते हैं, मैंने क्यूबिकल जो बॉडी होती है उनके लिए हमारा इसका एक्सप्लेनेशन होता है। तो उस कंडीशन में जब आप दिखाएंगे तो वॉल्यूम के लिए करेंगे, सेम रिलेशन वैसे बनेगा, वी टी इक्वल टू बेटा वी नॉट वन प्लस यहाँ पे गामा इंटू डेल्टा टी ले लेते बेटा, ठीक है, यहाँ पे गामा लेते हैं, वी टी हो गया बेटा टी डिग्री पे आपका वॉल्यूम जो होगा उस बॉडी का, वी नॉट हो गया 0 डिग्री पे उसका वॉल्यूम, गामा कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन कहलाता है, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर या इंक्रीजमेंट इन टेम्परेचर कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ से जब आप लोग दिखाएंगे बेटा तो ये होगा वह वी नॉट, ये होता है वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वी टी वॉल्यूम एट टी डिग्री सेंटीग्रेड, गामा कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन और डेल्टा टी हो गया इंक्रीजमेंट इन टेम्परेचर, इंक्रीजमेंट इन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये डेल्टा टी आपका हो गया बेटा यहाँ पे इंक्रीजमेंट इन क्या कहलाता है, टेम्परेचर कहलाता है। तो इसके बेस पर आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या हुआ कैसे होगा, वो सारी चीज़ें आपके यहाँ से एक्सप्लेन हो जाती हैं। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन में हो गया वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा है टेम्परेचर चेंज करने के साथ साथ, यहाँ पे इसके बेस पे आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं बेटा, ठीक। तो ये डिफरेंट टाइप के हमारे एक्सपेंशन हो गया सॉलिड में। रिलेशन पूछा जाता है अल्फा बीटा और गामा में क्या रिलेशन होगा, यहाँ पे हम लोग कभी कभी रिलेशन पूछ लेते बेटा अल्फा बीटा और गामा में क्या रिलेशन आपके होंगे, किसकी वैल्यू ज्यादा होगी किसकी वैल्यू कम होगी क्या होगी, तो वो चीज हम लोग कैसे करते हैं। देखो रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा पॉइंट बनते हैं, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। देखो यहाँ पे जब करेंगे ना तो अल्फा यानी कि बीटा की वैल्यू जो होती है बेटा 2 इंटू अल्फा के बराबर होगा, और गामा की वैल्यू जो होती है वो 3 इंटू अल्फा के बराबर होता है। तो अल्फा बीटा और गामा में जब रिलेशन करते हैं तो ये आता है 6 अल्फा इक्वल टू 3 बीटा इक्वल टू 2 गामा। तो ये इनमें रिलेशन एक साथ में होता है, इंडिविजुअल रिलेशन हम लोग ये बना लेते हैं बेटा, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस के लिए मटेरियल सेम होना चाहिए, अगर सेम मटेरियल कोई सब्सटेंस है उसके लिए आपका निकाला जाता है बेटा, तो अगर उसका लीनियर दिया गया है और आपको एरियल निकालना है तो इसके हेल्प से आप निकाल सकते हो। लीनियर दिया गया आपको एरियल निकालना है तो उसका अल्फा जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होगा उसका दूरा कर लेना तो आपको बीटा मिल जाएगा। लीनियर दिया है आपका आपको एक वॉल्यूम निकालना है तो उसके इसमें आपका 3 टाइम्स हो जाएगा, और तीनों आपस में रिलेट कैसे होते हैं तो 6 अल्फा इक्वल टू 3 बीटा इक्वल टू 2 गामा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपस में एक दूसरे के साथ में इनका क्या होता है, रिलेशन होता है। तो इतनी चीजें बेटा हम लोगों का आपका हो गया आज, थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस क्या होते हैं, ठीक है, हीट के लिए, फिर उनके लिए डिफरेंट हमारे स्केल्स क्या होते हैं, फिर वहाँ पे क्या एक्सपेंशन क्या होता है,
हम लोगों ने डिस्कस कर लिया सॉलिड में। आगे थोड़ा सा हम लोग लिक्विड और गैस के एक्सपेंशन की बात करेंगे, ठीक है। लिक्विड और गैस में फिर सॉलिड के बेस पे अगला जो एप्लीकेशन है थर्मल एक्सपेंशन का, वो चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आप नेक्स्ट पीरियड में करेंगे, इतना आप कर लीजिएगा, नेक्स्ट पीरियड में बाकी बताते हैं बेटा। इतनी बात कोई दिक्कत हो तो अभी पूछ लो भैया, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो बेटा तो अभी आप पूछ लीजिए क्या है कैसे है। तो जैसे आपने कहा थर्मल एक्सपेंशन, और एक चीज़ और, जो लोग इस बार नीट का फॉर्म अप्लाई किए हैं बेटा, क्योंकि बीच में आपका बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस हुई कोरोना वगैरह की वजह से, क्लासेस बहुत सारी डिस्टर्ब रही, ऑनलाइन भी स्टार्ट हुआ तो काफ़ी लेट भी स्टार्ट हुआ, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाई इसलिए। तो जो टाइम अभी बचा हुआ है इसमें आप आगे जो लोग अप्लाई किए हुए हैं वो लोग आगे की चीज़ें जो है बेटा पढ़ते चलें। इधर का मैक्सिमम पोर्शन तो कवर हो गया है, और 12th का पोर्शन से जो रिलेटेड आपका था वो भी आधा पोर्शन लगभग कवर हो गया था वहाँ पे, जब आपको रेगुलर क्लासेस हो रही थी। मैग्नेटिज्म तक पढ़ाए थे आप लोगों ने, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, वो चैप्टर आपको लास्ट तक पढ़ लिया था वहाँ पे। तो जो चीज़ें आपकी हैं बची हैं, चूँकि एडवर्स कंडीशन रही, अदरवाइज अगर प्रॉपर चला होता तो कम्प्लीट हो गई होती सारी चीज़ें। वैसे भी कम्प्लीट सिलेबस होने बेटा लगभग 10 महीने लगते हैं, 8 से 10 महीने, 8 महीने लगभग लगते हैं, 8-9 महीना, बाकी 2 महीना रिविजन में हो जाता है। बट सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई, फरवरी से स्टार्ट हुई थी, उधर अप्रैल में ही बंद हो गई, फिर इधर बाद में स्टार्ट हुई, तो चीज़ें कवर होने में आपको टाइम लगता है, ठीक है। तो वो है बाकी, लेकिन जो लोग भी अप्लाई किया है वो लोग पूरा जो है एक बार जो भी आपने तैयारी कर लिया है उसको रिवाइज कर डालिए, जितना भी पढ़ा है उसको रिवाइज कर डालिए। रिवाइज करना बहुत कंपलसरी होता है, बिना रिविजन की कोई चीज़ एक्यूरेसी नहीं आएगी। और साथ में क्वेश्चन करते रहिए, बार बार रोज बोला जाता है कि आपको जो भी टॉपिक चलता है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, उनमें आपका उसका रिवीजन बहुत कंपलसरी है, उस पर क्वेश्चन करना बहुत कंपलसरी है बेटा। बिना क्वेश्चन अप्लाई किए, ठीक है, बिना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव किए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, ठीक है। जैसे आप थ्योरी खाली पढ़ लिया, बहुत रटा हुआ है, लेकिन उसी पर क्वेश्चन बन जाएगा, फिर आपका मिस हो जाएगा वो, ठीक। तो उस केस के लिए आपको रिविजन बहुत कंपलसरी है, और साथ में क्वेश्चन उसके बेस पे होने चाहिए। खाली थ्योरी का रिविजन नहीं कि थ्योरी खाली रट रहे हो बैठ के, थ्योरी रटने से बोर्ड में आपके अच्छे नंबर आते हैं, कंपटीशन में अच्छे नंबर लाना है तो आपको एप्लीकेशन करने आना चाहिए, और वो एप्लीकेशन तभी आपका आएगा जब आप प्रॉपरली मेहनत करते रहेंगे, उस पर क्वेश्चंस करते रहेंगे बेटा। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा तो सा आपका टाइम, जिन लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया इस बार वो लोग अपना थोड़ा सा फास्टली एक बार रिवाइज करते कर लें, ठीक है। और जो लोग नेक्स्ट टाइम देना है उनके लिए तो फिलहाल अभी टाइम है, लेकिन वो क्वेश्चन करते चलें जो चल रहा है प्रॉपर वे में, ठीक है। अभी कल इस नेक्स्ट पीरियड में आपको बताएंगे इसमें बेटा लिक्विड का एक्सपेंशन क्या होता है, फिर एप्लीकेशन थर्मल एक्सपेंशन क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हमारी डिस्कस हो जाएंगी, ठीक है। और बाकी बाकी इस पे अलग अलग इफेक्ट जो होता है टेम्परेचर वगैरह करने पे, कैसे आपका पेंडुलम के टाइम पीरियड वगैरह क्या इफेक्ट होगा, फिर हम लोग आगे कैलोरीमीटर पढ़ेंगे, इसमें कैलोरीमेट्री क्या होती है, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पीरियड में। अभी आप इतना कर डालिएगा और आगे का थोड़ा सा रिवाइज करके करिएगा, ठीक है। चलिए बेटा, तो अभी आज यहीं तक, ठीक है, बाकी कल करते हैं। ओके बेटा।